ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन नंबर वन जो है इसमें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट द फॉलोइंग एंगल्स। इन सारे एंगल्स पे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मीन साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, उसका वैल्यू निकालना है। ये क्या हमारा, डू इट योर सेल्फ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर टू में क्या है कि इफ कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन में कॉट एक्स का वैल्यू क्या दे रखा है, कॉट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो पाई बाई टू से ग्रेटर होगा, पाई से स्मॉलर होगा। क्या बोला, फाइंड द अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बाकी जो पांच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, आप क्या करो कि एक ऐसे ट्रायंगल बना लो, ये एक्स हो गया, इस माइनस को एक मिनट के लिए भूल जाओ। कॉट क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस क्या होगा 5 और परपेंडिकुलर क्या होगा 12, तो ये हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 12² + 5² = 13। ठीक है, अब अगर मैं साइन एक्स लिखूं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स है तो साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो सिंपल क्या ले लेना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस एक्स की बात करूं तो एक्स हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां से तुम ले लो बेस अपॉन पर हाइपोटेन्यूज ले लो और उस पर एक माइनस लगा दो। ठीक है, टेन एक्स क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन एक्स भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो परपेंडिकुलर -12/5। अब कुछ नहीं है, अब कॉसेक एक्स क्या होगा, 1/sin x, इट मीन्स क्या होगा 13/12। sec x क्या होगा, 1/cos x, इसका रेसिप्रोकल ले लो -13/5 एंड cot x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/tan x, tan x का रेसिप्रोकल -5/12। ये तो गिवन ही है cot x। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर वन में। क्वेश्चन नंबर वन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे देखो क्या बोल रहा है, cos² π/16 + cos² 3π/16 + cos² 5π/16 + cos² 7π/16, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालें, लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होगी हमारी। तो इसको मैंने देखा तो मैंने क्या बोला कि इसको और इसको देख के क्या बोला, इसका जो सम है ना, एंगल का जो सम है π/16 और 7π/16, एंगल का सम क्या है वो है π/2। ठीक है, और इसमें इन दोनों एंगल्स का सम क्या, π/2। तो मुझे क्या करना है कि इन दोनों एंगल्स का सम है, तो इस कॉस को मैं साइन के टर्म में लिखता हूं, तो इस कॉस को साइन के टर्म में लिखता हूं। अब याद करो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बताया था, अभी बताया है, कॉस को साइन के टर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे, हाफ क्या होगा 8π, तो 8π - π/16 डायरेक्ट हो गया, और यहां पे स्क्वायर डाल देंगे, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने लिख लिया। अब इसको आ जाओ, इस दो को हमने एक साथ क्लब किया, इसको आ जाओ, इस कॉस को साइन के टर्म में लिखो, तो डायरेक्ट क्या होगा, कॉस को साइन के टर्म लिखने का साइन, उसके बाद क्या होगा 8π - 3π/16। ठीक है, तो इसका वैल्यू हमें क्या मिल गया, sin² 7π/16, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल गई, sin² 5π/16। तो एक्चुअल में ये क्या लिखा है, sin² 5π/16 और cos² 5π/16 मिलके ये 1 हो गया, और ये क्या लिखा है, sin² 7π/16 और ये cos² 7π/16 मिलके 1 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1+1 = 2। अगर ये डायरेक्ट तुम्हें याद नहीं है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos² π/16 है ना, इसमें क्या दे रखा है कि इस दोनों का सम π/2 हो रहा है, तो इसको तुम ऐसे लिख लो cos² π - 7π/16,
सॉरी पाई माइनस पाई बाय 16, कॉस की जगह साइन लिखेंगे ना, साइन स्क्वायर साइन, नहीं गलत कर रहा हूं यार, सॉरी कॉस को साइन के टर्म में लिखना है ना, तो इसको मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ऐसे लिखा, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 16, तो होता है ना साइन पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये क्या होगा 8 पाई माइनस पाई अपॉन 16, तो ये हो गया साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 16। अब ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाय 16 और कॉस स्क्वायर 7 पाई बाय 16 मिलके क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आर इज इक्वल टू 129 साइन स्क्वायर आर पाई बाय 18, इसका वैल्यू निकालना है। तो ये तो समेशन आई होप आपको पता होगा, आर का वैल्यू 1 डालना, फिर 2 डालना, 3 डालना, कहां तक डालना है 9 तक, और सारे टर्म्स को ऐड कर देना है। तो ये क्या होगा, आर की जगह हमने 1 डाला, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 18, फिर आर की जगह 2 डाला क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, साइन की जगह 3 डाला तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18, 4 डाला तो साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18, 5 डाला तो साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18, 6 डाला तो साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18, फिर 7 डाला तो साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, फिर 8 डाला तो साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, फिर हमने 9 डाला तो क्या हो गया साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18। अच्छा टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 9 टर्म्स हैं, तो 9 हमारा क्या होता है ऑड नंबर होता है, तो टोटल कितने टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स हैं, ठीक है। अब तुम क्या है, ये साइन स्क्वायर 9 पाई बाई 18, इसको देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ है ना साइन स्क्वायर पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 मीन्स साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1, तो ये तो 1 के इक्वल हो गया। अब तुम इसको देखो, यहां से पहले टर्म को देखो, अब टोटल कितने टर्म्स हो गए, 8 टर्म्स हो गए, 8 में से अगर दो दो का पेयरिंग बनाओगे तो कितने पेयर्स बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। तो ये देखो इसको और इसको देखो, चलो मैं एक बार लिख देता हूं साइन स्क्वायर पाई बाई 18, चलो थोड़ा सा साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18, इसका एक पेयर बना लिया, फिर अगले यहां से लिया साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, और यहां से लिया साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। अब कोई बच्चा पूछेगा कि पाई बाई 18 और 8 पाई बाई 18 को ही क्यों लिया, इसलिए लिया कि इन दोनों का जो सम हो रहा है ना, इन दोनों एंगल्स का जो सम हो रहा है वो पाई बाई 2 हो रहा है, ठीक है, और फिर इन दोनों एंगल का भी सम हो रहा है पाई बाई 2, फिर क्या होगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18, और यहां से क्या लिया साइन स्क्वायर 6 पाई बाई 18, इनका भी सम पाई बाई 2 हो रहा है, फिर ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 18, और एक हो गया हमारा साइन स्क्वायर पाई बाई 2, ऐसे हो गया। मतलब यहां से पहला टर्म लिया, इसका तो वैल्यू 1 हो गया, यहां से पहला टर्म लिया, यहां से सेकंड लास्ट टर्म लिया, फिर यहां से सेकंड टर्म लिया, यहां से थर्ड लास्ट टर्म लिया, ऐसे करके हमने पेयरिंग बना ली। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा कॉस स्क्वायर 8 पाई बाई 18, इसको देख लो, इसको तुम क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर पाई बाई 18 को तुम क्या लिख सकते हो, इक्वल हटा दो, इसको तुम क्या लिख सकते हो, कॉस में चेंज करना है तो कॉस में चेंज करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, कॉस स्क्वायर इसका हाफ किया तो 9 पाई माइनस पाई बाई 18, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 8 पाई बाई 18। तो ये क्या लिखा हुआ, कॉस स्क्वायर 8 पाई बाई 18 और साइन स्क्वायर 8 पाई बाई 18 क्या हो गया मिलके 1, तो इस ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1। अब इसको आ जाओ साइन स्क्वायर 2 पाई बाई 18, इसको कॉस में डायरेक्ट करना है तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर इसका हाफ किया तो क्या हो जाएगा 9 पाई माइनस 2 पाई बाई 18, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18, देख लो ये हो गया कॉस स्क्वायर 7 पाई बाई 18, ये साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18, तो इस ब्रैकेट के अंदर भी 1 लिखा है। अब आ जाओ इस टर्म में, साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 18,
इसको कॉस में करेंगे तो कॉस स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हैं, 9π - 3π/18, ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6π/18। तो ये लिखा हुआ कॉस स्क्वायर 6π/18, साइन स्क्वायर 6π/18, ये भी वन हो गया। अब इस पे आ जाओ, ये क्या लिखा है साइन स्क्वायर 4π/18, कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो कॉस स्क्वायर 9π - 4π/18, अब ये क्या लिखा है कॉस स्क्वायर 5π/18, साइन स्क्वायर 5π/18 मिलके वन। चाहो तो तुम इस साइन को भी कॉस में कन्वर्ट कर सकते थे, अगर इसको तुम कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर 5π/18, तो अगेन वन हो जाएगा। 1+1+1+1+1 मिलके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ये सब तो ऐसे ही क्वेश्चन था। अब ये क्या बोल रहा है कि प्रूफ दैट टेन ऑफ वन से लेके 89, सॉल्यूशन 3 क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट टेन 1 डिग्री इनटू प्रोडक्ट में, टेन 2 डिग्री इनटू टेन 3 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। हमें प्रूफ करना है। हाँ ठीक है, तो इसका लिए क्या है, इसको तुम ऐसे देखो, लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया, टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 89 टर्म्स हैं, तो 89 हमारा क्या होता है ऑड होता है। ठीक है, तो ऑड में से एक हटा देंगे, एक टर्म हटा देंगे तो टोटल कितने टर्म्स हो जाएंगे 88 क्या हमारा इवन टर्म्स है, तो अगर 88 इवन टर्म्स है तो फिर दो दो की पेयरिंग बन जाएगी। अब तुम ऐसे देखो, हमने क्या किया, टेन 1 डिग्री लिखा, टेन 2 डिग्री लिखा, और उसके बाद एक बीच में टेन 45 डिग्री आएगा, उसके बाद आएगा टेन 87 डिग्री इंटू टेन 88 डिग्री इंटू टेन 89 डिग्री, ऐसे हो जाएगा। इसके बीच वाले इस टर्म को हटा दिया। अच्छा, मिडिल टर्म जानते हो कौन सा टर्म होता है, 10th क्लास में पढ़ा होगा, जैसे ये 5 फिंगर्स है ना, तो 5 फिंगर्स का मिडिल फिंगर कौन सा हो गया, ये वाला फिंगर हो गया। ये कैसे हुआ, 3rd फिंगर हो गया, तो ये 3 कैसे आया, 5+1 अगर ऑड टर्म है ना तो ऑड में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 5+1/2th टर्म, तो क्या हो गया 5+1 6/2 मीन्स 3rd टर्म हमारा क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने टर्म्स है, 89 टर्म्स है, तो 89 टर्म्स है तो मिडिल टर्म क्या होगा, 89+1/2 90/2, तो 45th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, मीन्स टेन 45 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। ये मिडिल टर्म होगा, इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, इसका मतलब कि टेन 45 से पहले नंबर ऑफ टर्म्स और टेन 45 के बाद नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल है। इससे पहले कितने टर्म्स हो गए, एक हमने टर्म हटा दिया 88 को 2 से डिवाइड किया तो 44, तो इसका मतलब यहां कितने टर्म्स लिखे हैं 44 टर्म्स लिखे हैं, और यहां कितने टर्म्स लिखे हैं 44 टर्म्स लिखे हैं। अब इन टर्म्स की पेयरिंग हो जाएगी, देखो टेन 1 जो होता है ना कॉट 89 के इक्वल होता है, और टेन 89 कॉट 1 के इक्वल होता है। जैसे अगर मैंने टेन 1 डिग्री को क्या मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं कॉट ऑफ 90 - थीटा, कॉट 90 - थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो 90 - थीटा की जगह 1 डिग्री है, तो क्या हो गया ये कॉट ऑफ 89 डिग्री। अब ये देखो, ये कॉट 89 और ये टेन 89 मिलके 1 हो जाएगा, देख लो टेन 89 डिग्री लिख लो इंटू कॉट ऑफ 89 डिग्री लिख लो, होता है ना टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, ये होगा ना टेन 89 डिग्री, कॉट को लिख सकते हो 1/tan89°, ये हो गया 1। तो इसका मतलब क्या है, यहां से पहला टर्म मिलके 1, फिर टेन 2 डिग्री किसके इक्वल होता है कॉट 88 डिग्री के, तो कॉट 88 और टेन 88 मिलके 1, फिर यहां पे लास्ट में क्या होगा टेन 44, और इसके बाद यहां पे क्या होगा 46, यहां पे क्या होगा हमारा टेन 44 और यहां पे क्या होगा टेन 46, तो टेन 44 जो होगा ना वो कॉट 46 के इक्वल हो जाएगा। देख लो टेन 44 किसके इक्वल हो जाएगा, टेन 44 डिग्री को लिख सकते हो कॉट ऑफ 90°-44°, फोर्टी सिक्स डिग्री। ठीक है,
तो यहां पे क्या लिखा है कॉट 46 डिग्री और यहां पे क्या लिखा है टेन 46 डिग्री, तो भी कैंसिल होके वन हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या हो गया, वन हो गया। यही है इसमें। अब क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर फोर में देखो, इफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:4:5 देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो क्या बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल निकालो किसी ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो 3:4:5 दे रखा है, देन फाइंड द ग्रेटेस्ट एंगल। तो हमें क्या करना है, ग्रेटेस्ट एंगल निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देखो, हम लोग मान लेंगे लेट द एंगल्स बी 3:4:5, तो क्या हो जाएगा रेशियो 3x, 4x एंड 5x। Respectively, where x is greater than 0. ये obvious ही बात है कि triangle के angle की बात कर रहे हैं, तो triangle का angle तो negative होता नहीं, ये तो already मैंने बता रखा है कि जितने भी geometrical figure होते हैं उसके angle negative नहीं होते। तो ratio क्या दे रखा है 3:4:5, तो हमने angle को क्या मान लिया 3x, 4x, 5x, तो x हमारा positive होगा, ठीक है। अब triangle का angle है तो 3x + 4x + 5x क्या हो जाएगा, ये तो बच्चों वाला question है, 180 degree। तो 5 + 4 = 9, 9 + 3 = 12, तो x इज इक्वल टू 180/12, 2 × 3 = 15 हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है 5x होगा, बिकॉज एंगल तो पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटेस्ट एंगल क्या होगा 5x, तो 5 × 15 ये डिग्री में होगा, तो मतलब 75 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ साइड्स इन टू रेगुलर पॉलीगन्स आर इन द रेशियो 5:4 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरनल एंगल इज 6 डिग्री, देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगन, दो रेगुलर पॉलीगन दे रखा है, ठीक है, उसके साइड्स का रेशियो क्या दे रखा है 5:4। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो ऑफ साइड्स क्या दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स क्या दे रखा है 5:4। देखो दो रेगुलर पॉलीगन है, दोनों रेगुलर पॉलीगन के जो साइड्स का रेशियो है वो 5:4 दे रखा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इंटरनल एंगल इज 6 डिग्री, और दोनों के इंटरनल एंगल का जो डिफरेंस है वो 6 डिग्री है। तो बोला है देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो बोला है कि नंबर ऑफ साइड्स निकालो। तो हमने क्या मान लिया, लेट द साइड्स ऑफ द रेगुलर पॉलीगन बी 5n एंड 4n। अब यहां पे तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला जैसे कि पॉलीगन तो ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, फॉर्मूला एज सच याद रखने की जरूरत भी नहीं है। जैसे तुम इसको ना देन एंड देयर समझ सकते हो, जैसे मान लो कि कोई पेंटागन दे रखा है, ये रेगुलर पेंटागन है, सारे साइड्स इक्वल हैं, तो उसमें कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स बनेंगे, जितने साइड्स हैं 3 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बने, नंबर ऑफ यहां पे एन का वैल्यू क्या है 5, तो नंबर ऑफ साइड, ये नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स कितने बनेंगे n-2, यही होता है ना नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल, ये तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। अगर किसी भी जैसे n-2 मतलब क्या होगा 5-2, तो 3 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल्स बन जाएंगे। उसके बाद 3 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बनेंगे, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि इसके सारे एंगल्स का सम क्या होगा, देखो सबसे पहले बात सुनो, रेगुलर पॉलीगन होता है तो जितने भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना वो सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर मैंने हेक्सागन बनाया, ये हेक्सागन बनाया, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसके सारे इंटीरियर एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो ये हेक्सागन है तो सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने होंगे, ये देखो ये सारे नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल है, तो कितने नंबर ऑफ नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे, नंबर ऑफ साइड्स -2, 4 नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि इस हेक्सागन के सारे इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, तो सारे नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल, कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बने 4, तो इसका अगर मैं क्या बोलूं 6-2, इतने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बने। एक ट्रायंगल का एंगल क्या होता है 180 डिग्री, तो पाई,
तो सारे इंटीरियर एंगल आ गए, इन सारे इंटीरियर एंगल का हमें सम मिल गया। अब ये सारे जो इंटीरियर एंगल हैं वो मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। मैग्नीट्यूड क्या, ये सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। रेगुलर जो पॉलीगन होता है उसमें क्या होता है, इंटीरियर एंगल इक्वल होता है। तो एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर देंगे। ये तो आ गया ना 6 माइनस 2 इंटू पाई, ये तो सारे एंगल्स का सम आ गया। अब एक एंगल क्या होगा, कितने एंगल्स बन रहे हैं, 6, जितने साइड्स होंगे उतने ही एंगल्स बनेंगे, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 6, ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 क्या होगा 120 डिग्री। ये हमें ऑलरेडी पता है कि जो रेगुलर हेक्सागन होता है उसमें इंटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, 120 डिग्री के, तो ऑलरेडी पता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि अगर तुम किसी भी पॉलीगन में अगर तुम साइड्स बढ़ाते जाओगे तो उसका जो इंटीरियर एंगल होगा ना वो भी बढ़ता जाएगा। सबसे पहली बात, अगर किसी भी पॉलीगन में अगर तुम साइड्स बढ़ाते जाओगे, अगर मैं बोलूं हेक्सागन की जगह मैं हेप्टागन ले लूं, 7 साइड कर दूं, तो 120 से ज्यादा एंगल बन जाएगा, ठीक है ना। पेंटागन ले लूं तो कम बनेगा। देख लो पेंटागन में क्या है, कितने एक इंटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होगा, कितने नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल बन रहे हैं, 5 माइनस 2 इंटू पाई, और कितने हैं 5, तो ये किसके इक्वल हो गया, 5 माइनस 2 3 पाई अपॉन 5 के इक्वल हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, देख लो इसको अगर तुम डिग्री में कन्वर्ट करो, 3 पाई अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई, पाई पाई कैंसिल, 5 3 जा 6 जा 108 डिग्री, देखो कम आ गया ना 120 से, ठीक है। यहां पे n का वैल्यू क्या है 5, यहां पे n का वैल्यू क्या है 6, तो हमने अगर साइड्स बढ़ाया तो इंटीरियर एंगल बढ़ गया ना। तो यहां पे सबसे पहली बात की ऑब्वियस ही बात है कि 5n जिस पॉलीगन का, जिस रेगुलर पॉलीगन का जो साइड है उसका क्या है 5n है, उसका जो इंटीरियर एंगल होगा वो ग्रेटर होगा किस पॉलीगन से जिसका साइड 4n है। पहली बात तो ये हो गई। अब जिस पॉलीगन का साइड लेंथ 5n है, रेशियो ऑफ देयर साइड्स ही दे रखे है ना, नंबर ऑफ साइड इन रेगुलर एंड द 5 नंबर ऑफ साइड इन, ठीक है। तो जिस पॉलीगन रेगुलर पॉलीगन का साइड लेंथ 5n है उसका इंटरनल एंगल क्या होगा, 4n वाले से ग्रेटर होगा। अब क्या बोल रखा है कि इस पॉलीगन जिसका साइड लेंथ 5n है उसका इंटरनल एंगल इस पॉलीगन से 6 डिग्री बड़ा है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2 इंटू पाई अपॉन n, इंटरनल एंगल का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे n की जगह क्या है 5n है, 5n है ना नंबर ऑफ साइड्स, तो माइनस 2 अपॉन पाई, n की जगह क्या डालेंगे 5n, यहां पे n की जगह क्या है 4n, तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 2 अपॉन इंटू पाई अपॉन 4n, 6 डिग्री के इक्वल है। तो 6 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा क्योंकि यहां भी एंगल हमारा रेडियन में, तो 6 इंटू डिग्री को रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 क्या होगा, पाई अपॉन 30। अब सबसे पहले क्या होगा, ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 5n माइनस 2 अपॉन 5n माइनस 4n माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 30, ठीक है। अब इसको हमने क्या किया, n को राइट हैंड साइड पे ले गया, तो हमें क्या मिल गया 5n माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 4n माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n बाय 30, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, इसके बाद हमने क्या किया कि 4 और 30 का एलसीएम क्या होगा, 5, 4, 30 का एलसीएम क्या होगा, ये देख लो, उस एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई कर दो, या तो एक काम ये कर सकते हो, तो सीधे क्या होगा डिनोमिनेटर हट जाएगा, 30, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 5, 6 जा 4, 1 जा, ठीक है, 2, 3 जा 2 जा 1 जा 60 हो जाएगा। तो 60 से हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिनोमिनेटर हट जाएगा, तो 60 ये क्या हो गया 5n माइनस 2 अपॉन 5 माइनस 60 4n माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 60n अपॉन 30,
अब डिनोमिनेटर हट गया, ये क्या होगा 12 और यहां से क्या होगा 5n-2 15, 4n-2 2n, ये क्या हो गया 60n-24, 60n+30=2n, ये कैंसिल हो गया। 2n किसके इक्वल हुआ, 30-24 6, n=3 मिल गया हमें। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोला है देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, साइड्स आर क्या होगा 5, ये क्या था हमारा 5n and 4n, तो 5 × 3 and 4 × 3 डेट इज 15 and 12। एक जो रेगुलर पॉलीगन है उसका कितने साइड है, वो 15 साइड का रेगुलर पॉलीगन है, और जो दूसरा रेगुलर पॉलीगन है वो 12 साइड्स का रेगुलर पॉलीगन है। तो यही क्वेश्चन में बोल रहे थे, ये सब तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अच्छा अब यहां पे क्या है, स्टैंडर्ड एंगल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें क्या है कि अभी तक हम लोग 10th क्लास तक क्या कर रहे थे, 10th क्लास तक हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इतने ही का हम लोगों ने रिजल्ट याद रखा था। किसका किसका, एक तो 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। अब हमें क्या करना है, 2π/3, 2π/3 क्या होता है 120 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, जिसमें से π/2, देखो π/2, π, 3π/2 और 2π और ये 0, इसका वैल्यू तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बताया तुम लोगों को थ्योरी में, क्या बताया है, ये बताया ना, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्या होता है साइन 0 होता है, और इस वर्टिकल लाइन पे क्या होता है कॉस 0 होता है। फिर मैंने बोला कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस साइड पे कॉस 1 होता है, इस साइड पे कॉस -1 होता है, ठीक है, और इस वर्टिकल लाइन पे इस साइड पर साइन 1 होता है, यहां साइन -1 होता है। अब यहां पे मैंने क्या बोला कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर यहां पे क्या होता है साइन एक्स क्या होगा, यहां पे 0, यहां भी साइन एक्स क्या होगा 0, ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। यहां कॉस एक्स क्या होगा -1, यहां कॉस एक्स क्या होगा 1, यहां पे साइन एक्स क्या होगा 1, और यहां पे कॉस एक्स क्या होगा 0, यहां पे साइन एक्स क्या होगा -1 और कॉस एक्स क्या होगा 0। बस तुम्हें यही याद रखना है, ठीक है, ये याद रखने का ये मतलब है कि अगर तुम्हें बस इतना याद है ना, तो उसके बाद तुम बड़े आराम से सब काम कर लोगे। जैसे इसमें यहां पे कॉस एक्स हो गया हमारा 0, इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने बोला ना कि साइन एक्स -1 है, इसका मतलब कि ये एंगल क्या बन रहा है 3π/2 और -π/2, इधर से जाओगे तो -π/2, तो यहां से क्या मतलब हो गया साइन ऑफ -π/2, ये भी -1 है, एंड साइन ऑफ 3π/2 ये भी -1 है, ठीक है। अब यहां से जाओगे तो -π/2, इधर से घूमोगे तो 3π/2, तो इसका मतलब क्या हो गया कॉस ऑफ -π/2 ये भी 0 है, और कॉस ऑफ 3π/2 ये भी 0 है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे 360 भी आता है, 0 भी आता है, तो यहां पे क्या होगा साइन 0 0 होगा और कॉस 0 1 होगा। यहां पे क्या होगा, ऐसे जाओगे तो 90 डिग्री, ऐसे जाओगे तो 270 डिग्री, दोनों केस में क्या हो जाएगा साइन का वैल्यू 1 हो जाएगा, कॉस का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी काफी बार डिस्कस कर रखा है, और जहां साइन 0 होता है, जिस जहां पे साइन 0 होगा वहां पे जो साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, और जिसके डिनोमिनेटर में साइन आ रहा है कॉटेक्स, वो भी क्या हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। और जहां कॉस 0 हो रहा है तो कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और कॉस जिसके डिनोमिनेटर में आता है टेन एक्स, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ये सब तो ऑलरेडी मैंने काफी डिटेल से डिस्कस कर रखा है, तो इसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है। ये तो 0 है ना, ये एंगल है ना, इस पे तो हमें पता ही है कि साइन 0 होगा, देखो साइन 0 होगा और कॉस क्या होगा 1 होगा। अब साइन 0 कॉस मिल गया तो टेन तो मिल जाता है, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो 0/1 तो 0। अब कॉसेक तो ऑब्वियस ही बात है नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज कॉसेक क्या होता है 1/sin, तो 1/0 नॉट डिफाइंड। सेक क्या होगा 1 होगा, बिकॉज सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/1 इज 1,
कॉट नॉट डिफाइंड होगा, बिकॉज क्या होगा, कॉट क्या होता है, 1/10, 10 जीरो है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। ये ऑलरेडी तुम्हें याद होगा 30 डिग्री पे, पाई बाय 4 पे, 45 डिग्री पे तुम्हें याद होगा, 60 पे तुम्हें याद होगा, ठीक है। बस ध्यान में क्या रखना है कि जैसे साइन का 30 डिग्री पर वैल्यू और कॉस का 60 डिग्री पर वैल्यू सेम होता है, ठीक है, और साइन का 60 डिग्री पर वैल्यू और कॉस का 30 डिग्री पर वैल्यू सेम होता है, फिर साइन 45 और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू सेम होता है, ठीक है। अब साइन 90 पे तो 1 होता ही है, यहां पे तो होता है ना 1, ये तो ऑब्वियस ही बात है, इस पे साइन 1 होता है, ये तो ऑलरेडी जानते हैं, और कॉस 0 होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, ठीक है। फिर ये भी पता है कॉस पाई पर क्या होगा, साइन पाई पर क्या होगा, 0 होगा, यहां पे होता है ना साइन 0, और कॉस क्या होता है, माइनस 1, तो देख लो साइन पाई पे 0, पाई पे 0 कॉस माइनस 1, तो साइन कॉस मिल गया तो फिर टेन मिल जाएगा। फिर 2π पे भी हमें पता है, 2π यहीं पे आएगा ना, यहीं पे तो आएगा 2π, तो 2π पे साइन 2π क्या हो जाएगा, 0, और कॉस 2π क्या हो जाएगा, 1। तो कहने का मतलब कि कुछ ऐसा याद रखने की बात नहीं है, याद रखने का जो चीज है ना वो ये याद रख सकते हो चाहो तो, बट मुझसे पूछोगे तो इसकी भी जरूरत नहीं है याद रखने की, मैंने लिख दिया टेबल एक साथ, याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या 120 डिग्री, तो 120 डिग्री कोई भी निकाल लो, साइन 120 डिग्री 2π/3, देन एंड देयर निकाल लो, साइन पाई माइनस पाई बाई थ्री कर लो, साइन पाई माइनस थीटा साइन पाई बाई थ्री, 60 डिग्री √3/2। अब हमें निकालना कॉस 2π/3, कॉस 120 डिग्री क्या होगा, कॉस ऑफ, इसको तो तुम याद रखो, कॉस 120 डिग्री फ्रीक्वेंटली अकर होता है, -1/2 होता है, ये याद रखो। इसको कैसे लिखोगे, कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस पाई बाई थ्री, कॉस 60 का वैल्यू -1/2 आ गया, ये कॉस 60 का वैल्यू 1/2, एक माइनस बाहर है तो -1/2, ठीक है। तो चाहो तो देन एंड देयर भी निकाल सकते हो, चाहो अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग कोई जरूरत तो है नहीं, बट लॉजिकली समझ जाओगे तो बहुत चीजें जो होती है ना वो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकल समझ रहे हो ना, तो बहुत सारी चीजें हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब आ जाते हैं